गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में अपने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने जो एसेंशियल्स है इसके, उसके बारे में पहले वाले वीडियो में आपने सुन लिया है। नेक्स्ट इसका आज अपन जो चर्चा करेंगे उसमें एक बिंदु है कि समस्त अनुबंध ठहराव है, लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सेंटेंस है और कई बार परीक्षा में इसकी व्याख्या करने के बारे में या एग्जाम में जो है इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस सेंटेंस को दो भागों में विभाजित करके इसकी व्याख्या करनी है। पहला सेंटेंस है इसमें कि समस्त अनुबंध ठहराव है, और दूसरा सेंटेंस है इसमें समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। तो इसको समझ करके ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। ये कथन 100% सत्य है। ये कथन अनुबंध तथा ठहराव की प्रकृति में अंतर करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। ये कथन अनुबंध तथा ठहराव के क्षेत्र की ओर भी संकेत करता है। इस कथन की व्याख्या करने से पूर्व हम इस कथन को दो भागों में बांट लिया। जैसे पहला है समस्त ठहराव, समस्त अनुबंध ठहराव है, और दूसरा है इसका समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। तो समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, पहला सेंटेंस अगर आप उसकी व्याख्या करें तो है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हमें ठहराव तथा अनुबंध की परिभाषाओं का अध्ययन करना होगा। वो कैसे होगा कि जो इसकी धारा 2E है उसमें इसकी परिभाषा दी हुई है कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस परिभाषा में ये कहीं नहीं कहा गया है कि ठहराव के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा किए गए वचनों का रूप स्वरूप कैसा होगा या उनमें वैधानिकता का तत्व होगा या नहीं। इस प्रकार इस परिभाषा में किसी भी प्रकार के वचनों के आदान प्रदान से पक्षकारों में ठहराव का निर्माण हो सकता है। दूसरी ओर धारा 2H है, उसमें कहा गया है कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव अनुबंध कहलाता है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये जो परिभाषा दी गई है 2H वाली, अगर इसका विश्लेषण करें तो इसमें यह कहा गया है कि केवल वही ठहराव अनुबंध होता है जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सके। यदि किसी ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है तो वह ठहराव सदैव ठहराव ही बना रहता है, अनुबंध कभी भी नहीं बनता है। ठहराव तभी राजनियम द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है जबकि उसमें वेद अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुबंध होने के लिए किसी भी ठहराव में वेद अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाने आवश्यक है। यदि किसी ठहराव में उनमें से किसी भी लक्षण का अभाव पाया जाता है तो वह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता, परंतु प्रत्येक अनुबंध में ठहराव के सभी लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं। अतः प्रत्येक अनुबंध ठहराव अवश्य होता है, ठहराव के बिना अनुबंध का जन्म भी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार वृक्ष के लिए जड़ों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। दूसरा इसका जो भाग है या पार्ट है वो है समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो अनुबंध में तो सारे अनुबंध बनेगा तभी जब वो वेद ठहराव है, लेकिन जो सारे ठहराव है वो अनुबंध नहीं होते। तो इस भाग में यह भी कहा गया है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते।
इसका कारण ये है कि केवल वे ही ठहराव अनुबंध बन सकते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। व्यवहार में कई ऐसे ठहराव भी होते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते। कुछ ऐसे ठहराव है जैसे घरेलू पारिवारिक ठहराव। यदि किसी घरेलू या पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना रहा है तो वह ठहराव वैध होगा और अनुबंध कहलाएगा। किंतु यदि किसी पारिवारिक ठहराव में पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं होगा। उदाहरण के लिए, परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शाम का भोजन एक साथ बैठकर करने का ठहराव करना, यह ठहराव ऐसा है जिसमें पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। पारिवारिक ठहराव का एक मामला श्रीमती बालफोर बनाम बालफोर का है, जिसे पक्षकारों के वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य के अभाव में व्यर्थ घोषित कर दिया गया। इस वाद में इंग्लैंड के बालफोर श्रीलंका में नौकरी करते थे। वे अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड छुट्टियों पर गए। छुट्टियों के बाद में अपनी पत्नी श्रीमती बालफोर को पुनः अपने साथ श्रीलंका नहीं ला सके क्योंकि वह अस्वस्थ हो गई थी। वापस लौटते समय बालफोर ने अपनी पत्नी को ये वचन दिया कि वे प्रति माह उसके खर्चे के लिए 30 पाउंड की राशि भेजते रहेंगे। किंतु उन दोनों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाने से, जिसके कारण बाद में तलाक भी हो गया था, कुछ समय बाद उन्होंने ये राशि भेजना बंद कर दिया। श्रीमती बालफोर ने मतभेद की अवधि की अदत्त राशि के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया। लॉर्ड एटकिन ने इस बारे में निर्णय देते हुए कहा कि इस ठहराव को करने का पक्षकारों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, अतः ठहराव प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैत्रीपूर्ण या सामाजिक ठहराव जो होते हैं, पारिवारिक ठहरावों की ही तरह सभी सामाजिक ठहराव ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें कभी प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करने का उद्देश्य भी पक्षकारों द्वारा आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है, ऐसे ठहराव वैध होते हैं और अनुबंध बनते हैं। जैसे शादी करने का ठहराव, संतान गोद लेने का ठहराव अनुबंध बनते हैं। किंतु कुछ सामाजिक ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करने का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, ऐसे ठहराव सदैव ही ठहराव बने रहते हैं तथा कभी भी वेद अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। राजनीतिक ठहराव, वे राजनीतिक ठहराव जिनका उद्देश्य सदस्यों में आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, कभी भी वेद अनुबंध का निर्माण नहीं करते हैं। जिन राजनीतिक ठहरावों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, वे ठहराव कभी कभी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी माने जाते हैं। सामान्यतः प्रतिफल के बदले एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में मिलना अथवा प्रतिफल के बदले पक्ष या विपक्ष में मतदान करने का ठहराव करना वैध ही नहीं है बल्कि लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी है। इसी तरह व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। व्यापारिक ठहरावों के बारे में सामान्यतः यही धारणा और विश्वास है कि ये ठहराव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। इन ठहरावों का उद्देश्य एक दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त करना ही होता है। किंतु यदि ऐसे ठहरावों में से इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि इस ठहराव को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जाएगा तो वह ठहराव कभी भी कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकेगा। ऐसा ठहराव सदैव ठहराव ही बना रहता है और अनुबंध का रूप ग्रहण नहीं करेगा। इसी तरह अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का ठहराव करते हैं तो उस ठहराव को न्यायालय से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव, बिना प्रतिफल के ठहराव, अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल के ठहराव,
विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराओ, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराओ, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराओ, बाजी के ठहराओ, असंभव घटना पर आधारित ठहराओ, असंभव कार्य करने का ठहराओ, भविष्य में अनुबंध करने के ठहराओ, इन्हीं भविष्य में अनुबंध करने के ठहराओ कभी भी परिवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं। अतः ऐसे ठहराव सदैव ही ठहराव ही बने रहते हैं तथा कभी भी अनुबंध नहीं बनते। इसका कारण यह है कि कोई भी ठहराव तभी परिवर्तित करवाया जा सकता है जबकि उस ठहराव की सभी महत्वपूर्ण शर्तें पहले से ही निश्चित कर ली गई हो। इसी प्रकार जब कोई प्रस्ताव ग्रहीता यह कहता है कि वह प्रस्ताव को लिखित रूप में तैयार हो जाने के पश्चात उसे स्वीकार कर लेगा तो भी कोई अनुबंध का जन्म नहीं होता है। तो ये जो सारी जो बातें हैं या जो सारे जो कारण हैं इन सभी से ये स्पष्ट है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। केवल वही ठहराव अनुबंध बनते हैं जिन ठहरावों में वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं। जिन ठहरावों में वेद अनुबंध के लक्षण नहीं पाए जाते हैं वे ठहराव केवल ठहराव ही रह जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार का क्रम है जिस प्रकार जिस बीज में पूर्ण पौष्टिकता के सर्वगुण होते हैं उसे बोने पर उससे पौधा बनता है तथा फल फूल देता है, किंतु जो बीज थोता है वह कभी भी पौधा नहीं बन सकता है तथा फल फूल नहीं दे सकता है। इस तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।